आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेक्शन मेथड। अब सिलेक्शन मेथड जो हमारी क्लास है, एक कोई वीवी प्रोग्रामिंग की नहीं, एक्सेल की क्लास, क्योंकि एक्सेल के ऊपर भी डेटा को सिलेक्ट करना एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको इसमें आगे कुछ भी करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कुछ भी करना है, चार्ट लगाना है, पिवट लगाना है, तो सिलेक्शन इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने सिलेक्शन को सही ढंग से सीख लिया तो आपको काम करने में बहुत ही सहूलियत होती है। तो आज की जो टॉपिक है वही सिलेक्शन मेथड के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जो डेटा आपके सामने दिख रहा है, इस डेटा को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के एक तो है कि आप माउस पे क्लिक करें और नीचे की तरफ सिलेक्ट करते चले जाए, जैसा कि नॉर्मली करते हैं। उसके बाद आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ एरो की को यूज कर सकते हो और डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका है कि आप पहले वाले लोकेशन पे क्लिक करें, शिफ्ट को प्रेस करें और सबसे लास्ट वाले लोकेशन पे क्लिक करें, आपका डेटा सिलेक्ट हो जाए। तो दोबारा बता रहा हूं, पहले वाले लोकेशन पे क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले लोकेशन पे क्लिक करना है, आपका डेटा जो भी उसके बीच का डेटा है रो एंड कॉलम वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ओके उसके बाद अगर हम बात करें कंट्रोल ए की, जैसे कंट्रोल ए करते हैं तो आपका जो करेंट रीजन का डेटा है वो सिलेक्ट होता है। अब करेंट रीजन कहाँ होता है, होम मेनू बार में या आपका फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर में, यहां गो टू स्पेशल, ये आपका होता है करेंट रीजन। करेंट रीजन है हम करेंट रीजन को यूज्ड सेल भी कह सकते हैं, कि जो सेल यूज्ड हुआ है वो सिलेक्ट होगा। जैसे कि तो हम कंट्रोल ए करेंगे तो ए एरिया भी सिलेक्ट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपने दो बार कंट्रोल ए कर दिया, जैसे कंट्रोल ए और कंट्रोल ए, आपकी पूरी सीट को सिलेक्ट कर देता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार कंट्रोल ए करने पे करेंट रीजन मतलब कि जो यूज सेल है, यूज डेटा है, उसको आपको सिलेक्ट कर देगा। लेकिन कंट्रोल ए करेंगे दोबारा तो पूरी की पूरी डेटा को सिलेक्ट कर देगा, पूरी सीट को, सॉरी, पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट कर देगा। अब इसमें एक चीज और भी है, जैसे कि हमने एक किया और यहां किया, अब मैं कंट्रोल ए करता हूं तो मेरा सिलेक्शन यहां सिर्फ इतना ही हुआ, इस ए को सिलेक्ट नहीं किया। इस ए को सिलेक्ट ना करने के पीछे रीजन है ब्लैंक रो। देखिए सीरीज, जैसे सीरीज मतलब क्या हुआ कि फिल है, तो जैसे ही यूज्ड कॉलम का या यूज्ड रो का सीरीज चलता जाएगा आपका सिलेक्शन में, जहां पे उसको पूरी के पूरी रो ब्लैंक मिला, कॉलम ब्लैंक मिला, उससे आगे की सिलेक्शन नहीं करेगा, या फिर पूरी की पूरी रो को ब्लैंक होगा, फिर ये आपको सिलेक्शन से इतना ही करेगा, नीचे के एरिया सिलेक्ट नहीं करेगा। ओके कंट्रोल जी के अंदर में अगर आप यहां पे इसको सिलेक्ट करके ओके करते हैं तो वहां भी दिक्कत होती है। तो अब हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं कि रो या कॉलम पूरी तरह से ब्लैंक अगर है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उससे ऊपर तक का सिलेक्शन होगा, उसके नीचे का सिलेक्शन या उसके आगे का सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आया दिनेश जी या सर्वेश जी? जी सर। आशीष जी डाउट इसमें नहीं सर। बात करते हैं कि आपको माउस से पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट करना है, तो वन और ए के बीच में कर्सर होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी सीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरा
कि मुझे कर्सर को मूव करना है, मुझे सबसे लास्ट में लाना है, तो जो छोटा सा डेटा है, अगर मैं इस डेटा को कई बार रिपीट कर देता हूँ, देख रहे हैं हम सबसे लास्ट में आ जा रहे हैं ऑटोमेटिक, तो मुझे अगर सबसे लास्ट में आना है तो कैसे लास्ट में आएंगे, यहां कर्सर रखिए और कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस कर दें, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं सबसे लास्ट में आप आ जाएंगे, डाउन किए तो डाउन, राइट किए तो राइट, लेफ्ट किए तो लेफ्ट, अप किए तो अप, इस तरह से ये कर्सर आपका मूव होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बीच में कहीं ब्लैंक हुआ तो आपका उस ब्लैंक से पहले ही कर्सर रुक जाएगा, तो आप दोबारा कर लीजिए, तीन बार कर लीजिए, लेकिन मान लीजिए कि बहुत सारे ब्लैंक है इसमें और मुझे लास्ट में जाना है, तो मुझे कई बार कंट्रोल मैंने कि कंट्रोल डाउन एरो करना पड़ेगा, समझे कि नहीं, यहां कई बार करना पड़ेगा इस तरह से, तो काफी ज्यादा इरिटेटेड है ना सर, तो कैसे करें, तो ये आपका एड्रेस बॉक्स होता है, अब यहाँ पे जिस भी सेल का एड्रेस लिख के एंटर मारेंगे उस सेल पे चले जाएं, जैसे मैंने डाल दिया P5, तो P5 पे डाल दे एंटर मारेंगे तो कर्सर मेरा P5, तो हम क्या करेंगे, अब मुझे ये तो नहीं बताना कि मेरा डेटा सबसे लास्ट में कौन सा है, लास्ट में देख लेंगे तो हम क्लिक ही नहीं क्यों कर दे, तो हम इसका यूज कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ए 65,000 या कोई बड़ा अमाउंट, बड़ा एक नंबर डाल देंगे 10 लाख से नीचे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ हम लास्ट पे चल रहे हैं, फिर यहाँ से कंट्रोल और अप एरो यूज करेंगे तो हम सबसे लास्ट वाले सेल में, सबसे लास्ट यूज वाले सेल में पहुंच जाएंगे, समझ में आया, तो दोबारा समझाता हूं मैं, मुझे सबसे लास्ट में जाना है और मुझे कई बार की प्रेस नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे, ए 65,000 या 10 लाख से नीचे कोई भी अमाउंट को डालेंगे तो मुझे इस तरह के लास्ट वाले रेंज पे पहुंच जाएंगे, फिर यहां पहुंचने के बाद मुझे कंट्रोल और अप एरो को प्रेस करना है तो मुझे लास्ट यूज सेल पे पहुंचा दे, समझ में आ गया सर्वेश जी, दीपक, दिनेश जी एंड शिव जी? यस सर, आई अंडरस्टूड सर, ये समझ में तो आ गया, बट एक्चुअली सर आज से 3-4 दिन पहले मेरे पास में कोई डेटा आया था सर, उसमें से करीब सर एक्चुअली टोटल रिकॉर्ड थे 1500 के करीब रिकॉर्ड थे सर, वो डेट फॉर्मेट में थे बट मैंने कंट्रोल के साथ डाउन एरो डाला, उसमें सर वो पेज वाइज वो डाउन जा रहा था, पता नहीं क्या रीजन था सर, समझ में नहीं आया मेरे उस समय, एक मिनट, आप बोलते थे पेज वाइज जा रहा था, हाँ ये क्या जैसे ये कॉलम है ना जैसे आप हमें बता रहे हो उसमें क्या 150 हो रही थी ऊपर हेडिंग थी, ऐसे हाँ सर, ऐसे हाँ हाँ सर, वो जी जी सर ये सही, इसके कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्क्रॉल लॉक ऑन हो गया, अच्छा स्क्रॉल की वजह से प्रॉब्लम हो गया ना, आपके सिस्टम में एक स्क्रॉल लॉक होता है, अगर आपका स्क्रॉल लॉक ऑन हो गया, देखिए स्क्रॉल लॉक ऑन हो गया, अब आपका एरे जो है जी सर इस पे काम करेगा, इस पे और इस पे, ठीक है, आपका कर्सर मूव ओके जी सर, क्लियर है, या सर क्लियर, अब इसमें हाँ ये हाँ सिर्फ बताइए सर, मेरे पास भी एक देता था, मतलब एक कॉलम में पूरा फिगर्स है लेकिन इस साइड में फिगर्स नहीं है, मेरा इंटेंशन ये कैसा स्क्रॉल डाउन करेंगे कि जो मेरा फिगर्स है उस एक वाली बराबर हो जाए, कैसा करेंगे उनको बराबर होता, समझा नहीं मैं, I have the figures in one column and I want to select the next column with the same size of the figures. So देखना पड़ेगा सर इसके लिए, ओके अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, अगर मुझे पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ आप जो है स्पेस बार यूज करें,
या फिर आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं ऊपर में, कई सारे कॉलम सिलेक्ट करना है तो क्लिक करके माउस मूवमेंट कर सकते हैं इस तरह से। ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे नहीं मूव करना है, आपको ऊपर माउस पे क्लिक करना है इस पे हेडिंग पे और फिर मूव करना है। बोलिए आसिफ, हाउ टू आई शुड सिलेक्ट दिस वन? सर मेरे इंटेंशन नहीं है, मतलब मेरे इंटेंशन नहीं है, मतलब हमारा देखो इन कॉलम में फिगर्स है ना, लेकिन वो कॉलम में कुछ फिगर्स नहीं है, मैं तो फॉर्मूला लगाएंगे तो मतलब कैसा फॉर्मूला पूरा पेस करेंगे नीचे में, मेरे जब तक जो डेटा है उधर एंड हो सकते हैं, कैसा करें इनको, ये मेरा इंटेंशन। अच्छा आप ये बता, मैं ये चाह रहे कि आपके एक कॉलम में डेटा है राइट, मुझे दूसरे कॉलम में डेटा टाइप करना है, जैसे मान लीजिए मैंने एटीएम, तो मान लीजिए दिल्ली लिख दिया है, तो फॉर्मूला टाइप कर दिया, मान मैं यहाँ पे रैंक बिटवीन का फॉर्मूला ही, अब चाहते हैं फॉर्मूला नीचे तक चला जाए जहां तक हमारा इस कॉलम का डेटा है राइट, ये बोल रहे हैं ना, तो ये साइड क्लिक कर दीजिए आ जाएगा। अच्छा कुछ शॉर्टकट नहीं है ना? नहीं डबल शॉर्टकट है, डबल इसी साइड पे जाकर डबल क्लिक कर दीजिए। अच्छा ठीक है, शॉर्टकट करना चाहते हैं, शॉर्टकट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको कि सर्कल कॉलम में आना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ डाउन में जाना पड़ेगा, फिर इधर आके फिर कंट्रोल शिफ्ट करके कंट्रोल डी फिल डाउन, समझे, कंट्रोल डी फिल डाउन कर सकते हैं, लेकिन उतना करने के लिए माउस से डबल क्लिक कर दीजिए अपना। ओके सर थैंक यू। अब यहां पे जैसे कि हम बात कर रहे थे सिलेक्शन की, हम बात कर रहे हैं, तो अगर बात हम करें कि मुझे सिर्फ जो है जैसे देख रहे हैं कर्सर, मेरा कर्सर भी सिलेक्ट भी कर रहा है ना, तो मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा सिर्फ मेरा कर्सर से मूव ना हो, ऊपर से नीचे ना, ये ऊपर से नीचे सिलेक्टेड आ जाए इस तरह से, इसके लिए क्या करना है आपको, जब कंट्रोल डाउन तो करते ही है, कंट्रोल डाउन के जगह पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन करें, क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और राइट के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट आपका डेटा सिलेक्ट हो गया, या फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन, डाउन एरो अप डाउन पेज भी बोल रहा हूं मैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे अगर मल्टी सेल सिलेक्ट करना हो तो मतलब कि मुझे पूरा सिलेक्ट नहीं करना, मुझे कुछ कुछ कॉलम सिलेक्ट करना, हम इसको क्लिक करेंगे, तो कंट्रोल करके आप इसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकते, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको इसमें डिलीट करना या कोई फिगर कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करने के लिए सिलेक्शन किया है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो इसको कॉपी, कॉपी नॉट अलाउ, क्यों, कॉपी सीरीज वो करता है, कैसे कैसे करता है सीरीज, जैसे कि मैंने ऊपर तीन को सिलेक्ट किया और फिर हमने ई को सिलेक्ट, तो नीचे भी मुझे ए बी सी को सिलेक्ट करना होगा और ई को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद मैं कॉपी कर सकता हूं। तो यहाँ पे दिक्कत क्यों हुआ था, दिक्कत इसलिए हुआ था कि अगर आपने इसको सिलेक्ट किया और नीचे आपने इसको सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल प्रेस करके, अब मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, जो सीक्वेंस ऊपर है वही सीक्वेंस नीचे है, मतलब मल्टीपल सेल्स, अगर आपने A1 सिलेक्ट किया, A7 सिलेक्ट किया, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे अगर B7 को सिलेक्ट कर लिया तो एक कॉपी ऊपर वाले में सिर्फ A1 सिलेक्ट है, B1 नहीं, एक कॉपी तभी होगा जब कंट्रोल के साथ आप B1 पे भी क्लिक करें तो यहाँ कॉपी होगा, तो सेम चीज यहाँ रो में भी है कि आपने 1 से 5 तक A को सिलेक्ट किया है और आपने कंट्रोल के यहाँ C को 1 से 5 1 से 6 तक किया, E को 1 से 6 तक किया, इसको कॉपी कर सकते हैं,
सो सिलेक्ट किया कॉपी और यहाँ आप इसको इजिली पेस्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए कॉपी आपका जो सिलेक्शन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होगा, लेकिन जब उसको कॉपी करेंगे आप तो कॉपी सीक्वेंस में होगी। इसको मल्टी सिलेक्शन हम कहते हैं। तो कुछ पूछे सर? जी जी सर, एक क्वेश्चन है सर। पूछे सर, जैसे मान लो आपने A1 से लेकर N21 तक एक बार सिलेक्शन कर लिया पूरा, अब हम चाहते हैं कि सर इसमें से डिसलेक्ट करें कुछ कॉलम्स को, उसमें क्या मेथड है? क्लिक कर दीजिए कंट्रोल प्रेस करके। अच्छा, और वही है कि इसको कॉपी नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। समझ गए ना? जी जी सर। लेकिन मुझे मान लो सिलेक्ट करना है, लेकिन मुझे कॉपी भी करना है, डिसलेक्ट भी करना है, तो इसमें आप पूरी की पूरी एक रो को डिसलेक्ट कर दीजिए, अब कॉपी। मैं दोबारा समझाता हूँ कि मैंने एक एरिया सिलेक्ट कर लिया, मुझे एक कॉलम नहीं चाहिए, कॉलम नहीं चाहिए। तो जैसे लोग क्या करते हैं, इसको दो बार कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो दो बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर कंट्रोल प्रेस करके जो कॉलम को नहीं करना चाहते उस पर क्लिक करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे और डिसलेक्ट हो जाएगा, अब उसको कॉपी कर सकते। लेकिन पूरा कॉलम होना चाहिए, जिस माने ए से लेके 21 तक है, यहाँ है ना, ए से लेके 21 तक ए भी होना चाहिए। ओके सर, फिर इसको कॉपी कर सकते हैं। नहीं आपको फॉर्मेट वगैरह करना है या डिलीट विलीट करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं ऑटो सिलेक्शन। ऑटो सिलेक्शन मतलब मैं इस डेटा को कॉपी करता हूं। अब मेरे इस डेटा में कहीं कहीं पे ब्लैंक हुआ, ठीक है आपको सर, इस तरह से। अब मुझे कहा गया है कि जितने भी ब्लैंक्स हैं उसकी पूरी की पूरी रो को डिलीट कर देना। ध्यान रखिए, मुझे मतलब इस डेटा में जिस सेल में ब्लैंक है उसकी रो हटा देना है, हमें ब्लैंक रो वाला नहीं चाहिए, हमें वही डेटा चाहिए जो पूरी तरह से पर्याप्त है, राइट डेटा है। तो कैसे करेंगे? वन बाय वन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे डायनेमिक सिलेक्शन के लिए आपको गो टू स्पेशल है, एक गो टू स्पेशल डायनेमिक सिलेक्शन होता है। हमने अगर ब्लैंक को सिलेक्ट कर लिया तो इससे इसके डेटा में जितने भी ब्लैंक है वो आपका ब्लैंक सिलेक्ट एक बार में हो जाएगा कंट्रोल से। अब जिसको डिलीट कराए तो कंट्रोल माइनस कीजिए और डिलीट एंटायर रो। दिखा सर? कंट्रोल माइनस डिलीट का शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस ऐड का। तो एंटायर रो को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, देखिए एंटायर रो डिलीट हो गया, अब इसमें कोई ब्लैंक नहीं है। समझ में आया आपको कि नहीं सर? जी सर। उसी तरह से मान लीजिए कि मुझे ब्लैंक नहीं, मेरे इसमें क्या है कि बहुत सारे में फॉर्मूला लगा हुआ है और कुछ ऐसे हमारे टेक्स्ट है, ठीक है। मुझे सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसको कलर करना है, वो भी आप यहां गो टू स्पेशल में ऊपर देखिए कंटेन। कंटेन में क्या चाहिए? नंबर चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, लॉजिकल चाहिए या एरर चाहिए। तो फिलहाल छोड़ देते हैं हमने फॉर्मूला और नॉन फॉर्मूला के बीच में। अगर फॉर्मूला में मुझे नॉन फॉर्मूला में टेक्स्ट मतलब कि एबीसीडी होना चाहिए, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे उसको चेक करूंगा, बाकी को अनचेक करूंगा, देन ओके। तो जहां जहां फॉर्मूला नहीं है वो एरिया सिलेक्ट हो गया, अब उस पर आप कलर करना है या कुछ और करना है इजिली कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? उसी तरीके से फॉर्मूला है, इसके बारे में हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे इन सबके बारे में, लेकिन फिलहाल सिंपल में बता दिया कि डायनेमिक सिलेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हो गया हमारी सीट की डेटा सिलेक्शन। अगर हम बात करें मल्टीपल सीट कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो आप कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट दबाइए, सबसे लास्ट में क्लिक कीजिए, सारे सीट सिलेक्ट हो गए एक साथ। इसको डिलीट करना है या आपको इसकी टैब कलर चेंज करनी है, जो भी करना है आप यहां से इजीली कर सकते हैं। तो
तो कंट्रोल से सीट भी सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर मैं सीट वाला सीट फोर सिलेक्ट कर रखा है और मैं यहाँ टाइप कुछ नंबर टाइप किया तो सीट वन पे भी हुआ और सीट फोर पे भी हुआ। सीट वन के कितना है G33, सीट फोर में जाइए G33। क्लियर है आप लोगों को? जी सर। आज की हमारी सिलेक्शन मेथड की क्लास थी। एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है,